जैसे जैसे बच्चे की धड़कनें घटती जा रही थी, वैसे वैसे हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। हम लगातार उसकी बॉडी को रगड़ रहे थे, लेकिन हमें कोई भी आशा की किरण दिख नहीं रही थी। हम आस खोते जा रहे थे कि अचानक से हमें उसकी बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई पड़ी। एक सज्जन महिला हमारे पास एक ऐसे डॉग को लेकर आई जिसका बच्चा उसके गर्भ से आधा लटक रहा था। डॉक्टर ने देखते ही तुरंत समझ लिया कि यह डिस्टोसिया का केस है, और ऐसे केसेस में देरी का मतलब था बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा। डिस्टोसिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बच्चे की डिलीवरी डिफ़िकल्ट और स्लो हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में यह गर्भ में बच्चे के उल्टा हो जाने पर होता है। जब डॉक्टर्स ने जांच शुरू की तो पता चला कि गर्भ में एक नहीं बल्कि दो बच्चे हैं। हमने जब पहले बच्चे की डिलीवरी की तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी और धड़कनें भी नहीं चल रही थी। अफसोस, वह नहीं बच पाया था, मगर एक बच्चा अभी भी अंदर था। हमने माँ को आधे घंटे का आराम देने का फैसला किया जिससे बच्चा खुद ब खुद नेचुरली डिलीवर हो जाए। इंतज़ार की घड़ी शुरू हुई। एक घंटा बीत गया पर बच्चा डिलीवर नहीं हुआ। ऐसे ही दो और फिर तीन घंटे बीत गए पर बेबी नेचुरली डिलीवर नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने जब जांच की तो पता चला कि गर्भ में दूसरा बच्चा भी उल्टा फंस गया है। यह अब लगभग तय हो गया था कि बच्चा नेचुरली तो डिलीवर नहीं होगा, इसलिए हमने सर्जरी करने का फैसला लिया। पर यह इतना आसान नहीं था। सर्जरी के लिए हमें माँ को एनेस्थीसिया देकर बेहोश करना पड़ता, जिससे कि बच्चे की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। यह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का समय था। सर्जरी के दौरान पता चला कि गर्भ में कुल तीन बच्चे हैं, जिनमें से दो बच्चे अभी भी अंदर हैं। डॉक्टर्स ने जब दूसरे बच्चे को निकाला तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं बच पाया। जब तीसरे बच्चे को निकाला गया तो उसके शरीर में भी कोई हरकत नहीं थी और उसकी दिल की धड़कनें भी नहीं चल रही थी। सबने मान लिया कि वो भी अब नहीं बच पाया। हर तरफ मायूसी छाई हुई थी। फिर अचानक डॉक्टर गुलशन को बच्चे में एक मूवमेंट दिखा। उन्होंने कहा कि बच्चे ने सर हिलाया। बच्चे की छोटी सी मूवमेंट ने हमारे थके हुए कंधों को ऊंचा कर दिया था। डॉक्टर गुलशन ने तुरंत उसे इंजेक्शन लगाया। कुछ देर में उसकी धीमी धीमी धड़कनें भी सुनाई देने लग गई, मगर बच्चे का शरीर अभी भी ठंडा पड़ा हुआ था। गर्मी देने के लिए डॉक्टर गुलशन ने टॉवल से उसके शरीर को रगड़ना शुरू किया और सांस वापस लाने के लिए उसे लगातार पंप भी कर रहे थे। डॉक्टर के लगातार प्रयास के बावजूद भी वह खुद से सांसें नहीं ले पा रहा था। फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जिंदगी ने मौत को हरा दिया। वह खुद से सांसें लेने लग गया। अभी भी बच्चा बहुत कमजोर था और उसे देखभाल की सख्त जरूरत थी, और माँ से अच्छी देखभाल बच्चे की कौन ही कर सकता है। हमने बच्चे को माँ के पास रख दिया। भले ही बच्चा कितना भी कमजोर हो, माँ तो बचा ही लेती है। माँ और बच्चा अब दोनों स्वस्थ हैं, और शुभलता जी जो इन्हें यहाँ लाई थी वो इन दोनों को अपने साथ वापस ले जा रही हैं। एक माँ और उसकी नन्ही सी जान को बचा के जो खुशी शुभलता जी को हुई होगी, वो सिर्फ उन्हें समझ में आ सकती है जो किसी और की जान बचाते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं।